अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार सुरेश जी, ऐसा है कि देश की सरकार, जिस देश का राजा कमजोर होगा उस देश का भगवान ही भला कर सकता है। हमारे मनमोहन सिंह जब चाइना के, जब पाकिस्तान के सैनिकों ने अंदर घुसपैठ की और उसके बाद हमारे सैनिकों का सर काट के ले गए, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और पाकिस्तान के पीएम हमारे यहाँ आए और उनकी मेहमाननवाजी की। अब चाइना घुसपैठ कर रहा है, चाइना तो, लेकिन मनमोहन जी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। इन निकम्मी सरकार के पल्ले कुछ भी नहीं है। एक हमें कमजोर नेता की बजाय एक जाबाज नेता की जरूरत है। जो धन्यवाद, बड़ा अच्छा उदाहरण याद यहाँ पर इन्होंने इतिहास की दिए हैं और इतिहास दोहराने जा रहा है। पाकिस्तान ने हमारे देश के सैनिकों के सर काटे, फिर भी वहाँ के प्रधानमंत्री को हमने यहाँ पर आकर अजमेर में सर झुकाने के लिए रेड कारपेट बिछाया और उसको मेहमान नवाजी की, बिरयानी खिलाया। विदेश मंत्री उनके प्रोटोकॉल के लिए जयपुर गए। चाइना ने देखा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क, उसके लिए भी अगर भारत ये रवैया अपनाता है तो हमें कुछ भी वो हमारा बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान के कृति की पुनरावृत्ति चीन कर रहा है। अगले कॉलर, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते सुभाष जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ दिल्ली एनसीआर से। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो, जैसे मेरे घर में अगर कोई चोर घुसे आता है, सबसे पहले मैं उसको उठा के बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, है ना, पिटाई करता हूँ और उससे बातचीत नहीं करता हूँ। यहाँ पर देश में घुसे आए हैं, इनसे बातचीत नहीं करी जाएगी। इनको अभी डंडे देंगे, इनसे रिटेलिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आप, है ना, ऐसे नहीं करेंगे तो आपको कमजोर समझा जाएगा। और ये चीन की बहुत बड़ी साजिश है, प्लानिंग है मुझे लग रहा है, जो वो भारत को पूरी तरीके से कैप्चर करने की पूरी कोशिश बना ली उन्होंने। और ये, और इस समय इसका सबसे बड़ा रिटेलिएशन हमको इससे अपफ्रंट काउंटर रिटेलिएट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता कुछ। और दूसरा है, जितने भी जो हमारे समान विचारधारा से जूझ रहे चीन से, जो कोरिया, वियतनाम, ये जो कंबोडिया, जितने भी देश हैं उनसे सबसे मित्र समझी करके हमको तुरंत इस पे चाइना को घेरना चाहिए, क्योंकि चीन ऐसा कमजोर देश नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोच के करता है। तो हमको बिल्कुल, और ये ऐसा लग रहा है जो सरकार चला रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये चीन के तो कहीं एजेंट नहीं है, जो चीन का पक्ष लेके चीन से बातचीत करने के लिए अपने प्रधानमंत्री को की यात्रा को बचाने के लिए बकवास करते हैं, है ना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लोग अलग अलग तर्कों के साथ इतिहास को याद करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। वैसे तो चीनी समस्या भी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है। जिस तरीके से उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और हमारी सीमा जो चीन के साथ तय होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उसका फायदा उठाकर अब भी चीन हमको धमकाता रहता है, हमारे प्रदेशों पर अधिकार बताता है और कभी इस देश के पीठ पे खंजीर खुपा डालने वाला ये चीन दोबारा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर वही कार्रवाई करने जा रहा है, लेकिन हम कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार ने जैसे कुछ करने की जरूरत है, वैसे जनता भी बहुत कुछ कर सकती है, उस दिशा में जाएंगे, लेकिन पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकारें हैं, वर्तमान सरकारें हैं, वो लूट को ध्यान में रख के शासन करती है। सरकारें देश चलाने नहीं आती, सिर्फ सत्ता पर बैठ के लूटने के लिए आती है। जो चाइना की सरकारें हैं, वो चाइना की सरकारें देश की सुरक्षा को और अपने विकास को लेकर ध्यान में रख के काम करती है। अपने वहाँ पे सब चीज को, जो सैनिक है, सैन्य शक्ति को सबको बढ़ा कर रखती है, और हमारी सरकारें सिर्फ वहाँ पर नेता बनकर बैठते हैं। जो आज वर्तमान में जो बैठी है, ये तो सिर्फ लुटेरी सरकारें हैं। जो पहले डाकू होते थे, वो डाकू आज सत्ता पर बैठ गए हैं जाके। तो हमको भी चीन पे हमला करना चाहिए और उसको जवाब देना चाहिए, और चाइना को एक भी सामान नहीं खरीदना चाहिए अगर हमें भारत से थोड़ा बहुत भी जो है प्यार है तो, भारत भूमि से। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो सर, बोलिए। नमस्कार, मैं सोनू मिश्रा बैंकॉक से बोलता हूँ सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सोनिया गांधी जो काला धन रखी है चाइना के बैंकों में जमा है, अतः सोनिया अपने जमा है अपने संबंधों का इस्तेमाल कर रही है सर, भारत से हमला करवा रही है सर। धन्यवाद,
एक और ये मुद्दा है, ये मुद्दा भी ये है कि जैसे अब यूरोपियन देशों में आर्थिक संकट गहराया हुआ है, वहां के बैंकों में जो काला धन रखा जाता है उसके ऊपर पूरे दुनिया की नजर आने के कारण, और भारत ने रामदेव बाबा और तमाम देशभक्तों के आंदोलन के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना है, और उस कारण यूरोपियन देशों में से पैसा निकालकर कई राजनीतिक दलों ने, कई राजनीतिक नेताओं ने चाइना के बैंकों में रखा है, क्योंकि वहां पर डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति है और अगर एक व्यक्ति को वहां पर कन्विंस किया जाए तो और किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में चीन के बैंकों में भारत के नेताओं के पिछले कई सालों से जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसको भी बचाने के लिए उस सरकार के साथ देश के कुछ निर्णायक लोग दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते, ये भी एक एंगल आगे आ रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ सर बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हेलो हेलो सर, नमस्कार। हेलो हेलो, मैं पलामू झारखंड से आलोक कुमार सक्सेना बिंदास बोल के दर्शकों को जय हिंद करता है। वर्तमान सरकार की है या तो सर्वविदित है, इनको घोटाले करने से फुर्सत ही नहीं है। चीन पाकिस्तान का अघोषित आक्रमण कभी नहीं दिखाई देगा। वर्तमान सरकार तो गद्दारों की फैक्ट्री है। अतः मैं ये कहूंगा कि भारत की जनता को सद्बुद्धि दे और सही चुनाव करे। भारत माता की जय। धन्यवाद। हम अब यहाँ पर परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर यही चलता रहा तो। गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में चीनी सैनिकों की उपस्थिति होने से यहाँ भारत विरोधी ताकत और गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान एक दबंग राष्ट्र के रूप में कायम की है, जिससे भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन सीमा विवाद का हल नहीं चाहता, उसकी मंशा भारत के साथ विवाद कायम रखने की है, ताकि वो जब भी चाहे भारत के क्षेत्र में मुंह उठाए दाखिल होता रहे और विवाद का हल हमेशा उसकी शर्तों पर हो। चीन रक्षा बजट पर बिलियन डॉलर का खर्च अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते हुए दुनिया को डराने के लिए करता है। तेल की कमी का सामना भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र कई देशों की सीमाओं से लगे हैं। सस्ते दामों के कारण लोगों का चाइनीज बाजार पर रुझान होगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर होगा। ये परिणाम होंगे और इन परिणामों को अगर हम और विस्तार से देखेंगे तो ये हमारे देश के रक्षा के साथ समझौता है, इस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ समझौता है। चीन हमारे साथ क्या नहीं करता? चीन ने भारत का नाम बदनाम करने के लिए कई अफ्रीकी देशों में जहां पर सस्ती दवाइयां चलती हैं वहां पर ऐसी दवाइयां अपने देश में बनाकर वहां बेची जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। लेकिन जब भारत के कुछ मित्रों के ध्यान में ये बात आई, उन्होंने इसका सोर्स पता किया, तो वहां के सरकार के भी ध्यान में आया कि आने वाली दवाइयां तो आ तो चीन से रही है लेकिन नाम मेड इन इंडिया रख रही है, क्योंकि भारत का दवाइयों का जो व्यापार दुनिया भर में फैला हुआ है उसको अगर तोड़ना है तो चीन ने ये सही तरीका अपनाते हुए भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था, लेकिन भारत ने उसका भी जवाब नहीं दिया। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार वहाँ पे उनको कोई चुनौती नहीं दे सकती तो कम से कम दिल्ली पुलिस को इस काम के लिए लगा दिया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस को काफी एक्सपीरियंस है अपना नेताओं की जैसे सुरक्षा करते करते, उनको काफी अपना है एक्सपीरियंस कि वो शायद इनको रोकने। धन्यवाद धन्यवाद, आपने बात कही है, लेकिन इस विडंबन के पीछे भी एक बड़ा दर्दनाक वास्तव है। जो दिल्ली पुलिस हमारी माता भगिनियों के ऊपर हो रहे बलात्कार को रोक नहीं सकती, वो सीमा पर भारत माता पर हो रहे बलात्कार को रोकने की कीमत ही नहीं रख सकती, तो उनको वहाँ पर कैसे लगाया जाए? दिल्ली पुलिस तो फिर अगर कहीं पर लगाई जा सकती है तो पाकिस्तान सीमा पर लगानी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मनीष अरोरा बात कर रहा हूँ रुद्रपुर उत्तरांचल से। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आज श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री बाबा रामदेव जी के सुविचार सुनने को मिले। बाकी कई चैनल न्यूज चैनलों ने इस कार्यक्रम को नहीं दिखाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं जो है इस कार्यक्रम में सामने आए। दूसरा सर, मैं चीन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि चीन को सबक सिखाना कांग्रेस के बस की बात नहीं है सर,
ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट और नपुंसक हो चुकी है। जैसा कि चीन के बारे में सर सभी जानते हैं कि जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था तो हमारे देश का 72,000 वर्ग मील हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें हमारा पवित्र स्थान कैलाश मान सरोवर भी शामिल है। वो हिस्सा आज तक कांग्रेस की सरकार चीन से वापस नहीं ला सकी है। अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा भी चीन अपने नक्शे में दिखाता है, उस पर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और अब तो हमारे देश में 10 किलोमीटर तक चीन ने घुसपैठ भी कर दी, उस पर भी सरकार चुप है। तो ये कांग्रेस की सर बात नहीं है, जब तक ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट आई है कि दिग्विजय सिंह को चीन की सीमा पर भेजना चाहिए, तब वो अपनी होशियारी वहां पर चाइना के साथ बातचीत में दिखाए। बाबा रामदेव और देश के देशभक्तों के खिलाफ बोलने वाले दिग्विजय सिंह अब कहाँ गायब है, चाइना विषय पर क्यों नहीं बोल रहे, ये सवाल उठाया गया है। कई MMS हमारे पास है, कुछ MMS देखते हैं। चाइनीज माल में हमारे यहाँ गणेश की मूर्ति से लेकर और पिचकारी जैसे छोटे सामान तक भी इंडिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं, और चाइना जो लगातार घुसपैठ कर रहा है इंडिया में, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं पिछले भी कार्यक्रम में कई बार चाइना के विषय पे कह चुका हूँ, जो बात यहाँ पर MMS में हमारे दर्शक ने कही है कि चाइनीज प्रोडक्ट जो भगवान की मूर्तियां आती है गाड़ी में लगाने से लेकर घरों में रखने से लेकर हमारे सार्वजनिक उत्सवों में, वो लक्ष्मी की पूजा हो या फिर वो दुर्गा की पूजा हो या गणेश की पूजा हो, बड़े बड़े पैमाने पर चाइना से ये मूर्तियां भारत में आती हैं और हम उसको खरीद कर त्यौहार मनाते हैं। लेकिन देखिए, इस देश के दुश्मन देश में बनी हुई ये मूर्तियां आपको कभी भी आशीर्वाद नहीं दे सकती, कभी भी आप ऐसे मूर्ति के द्वारा पूजा करके उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन को आप हमारे खिलाफ गोला बारूद खरीदने के लिए उस मूर्ति को खरीद कर उसको पैसे दे रहे हैं। इसलिए हमें आज ये संकल्प लेना पड़ेगा, इस कार्यक्रम के बहाने, इस घटना के बहाने, चाइना की इस कृति के बहाने हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि इस देश में कभी भी हम किसी भी भगवान की मूर्ति, विदेश में बनी हुई मूर्ति नहीं लेंगे। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार, मैं गायत्री बोल रही हूँ दिल्ली से। बोलिए। ये सरकार दोनों वालों पर थप्पड़ खाने वाली है, ये सरकार कमजोर नहीं है, ये सरकार दोनों वालों पर जूते भी खा सकती है। जूते खाने के बाद कहेगी कि हमने तो चाइना को कूटनीति से हरा दिया, टुकड़े टुकड़े करके चाइना को सारी जमीन दे देगी। जय हिंद। देखिए देश के लोगों की सरकार के प्रति क्या राय है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ सुरेश जी, मेरा नाम प्रतीक बुद्धदेव है, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। बोलिए। अच्छा सुरेश जी, ये कांग्रेस के इतने सारे भ्रष्टाचार है, इस बात की क्या गारंटी है कि 19 किलोमीटर की सीमा बेच नहीं दी चाइना को? ये भी हो सकता है क्योंकि ये कांग्रेस के हाथ में अभी कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। चीन में अभी 9 तारीख को विदेश मंत्री जा रहे हैं, तो अभी इतना दिन क्या करेंगे? हमारे देश में अभी ये लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे भी ढक रहे हैं इस बात से। अभी आज कश्मीर में भी आतंकियों ने हमला किया हमारे पुलिस जवानों पे, ये खबर भी अभी आ रही है। धन्यवाद। तो